हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। क्या हाल चाल है सबका? सुबह सबने मेरी प्रेमिया वीडियो देखी थी कि नहीं देखी थी? नहीं देखी थी तो अभी भी टाइम है, जाओ देख लो और ये वाली डेफिनेटली चेकआउट करो। जैसे मैंने आपको सुबह की प्रेमिया वीडियो में भी बोला था दैट यू नो द मंथ इज नियरिंग द एंड, नियरिंग द एंड, इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द मंथ। सो आई थॉट कि यू नो पूरे मंथ में हम लोग इतनी वोकैबलरी पढ़ते हैं, नए वर्ड्स पढ़ते हैं, इडियम्स पढ़ते हैं, सो व्हाई नॉट टू गो अहेड एंड जस्ट रिवाइज एंड चेक आउट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इडियम्स की या वर्ड्स की कितनी है। सो जस्ट फॉर दैट रीज़न आई हैव क्रिएटेड दिस स्मॉल MCQ क्विज है, ये PPT क्विज है। तो जैसे आप लोगों को क्विज़ करने का बहुत मज़ा आता है और जो काम करने में मज़ा आता है दैट इज़ द ईजिएस्ट टू लर्न। सो यस, दिस इज़ द रीज़न वाई आई मेड दिस वीडियो फॉर यू ऑल। बाय द वे लेट मी टेल यू, आई एम रियली मिसिंग यू ऑल। तो इस वीडियो में गाइज हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे पिछले वीडियो में सुबह में हमने क्या किया था, 10 डिफरेंट वर्ड्स थे, ठीक है, जिनको हमने स्टडी किया था और इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज, राइट। मैंने आपको 30 सेकेंड्स दिए थे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही होने वाला है। फाइव यहाँ पे डिफरेंसेस, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं, सुबह में जो हैं 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे हैं आपके 6 क्वेश्चंस, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व देम। 30 सेकेंड्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए एंड उसके बाद हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे एंड डिस्कशन करने के बाद आई विल गिव यू अनदर 30 सेकेंड्स टू फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दैट पर्टिकुलर idiom और फ्रेज, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि आप जितनी भी वोकैबुलरी सीख लो, जो भी कर लो, जब तक आप उसको लिख कर रिवाइज नहीं करते हो, जब तक आप उसको लिखते नहीं हो, तब तक यू कॉन्ट बी श्योर ऑफ काइंड ऑफ कि आपको वो चीज़ याद रहेगी या नहीं रहेगी। एंड ऑफकोर्स क्या फ़ायदा है पढ़ने का अगर आपको वो चीज़ याद ही ना रहे। सो जस्ट टू एच इट अ लिल डीपर इन योर माइंड, हम लोग मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, आई मीन डिस्कशन के बाद, जहाँ पे आप लोग वो टाइम यूज़ करेंगे और जो है आप उसका एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। सो यस, यही जनरली मेरी क्विजेस का फॉर्मेट रहता है प्रीमियर वीडियो में, तो यहाँ पे भी हम यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबडी। सो यस, देयर वी गो, मोस्ट वेलकम टू अन अकेडमी क्लास 6 एंड मोस्ट वेलकम टू योर इंग्लिश एजुकेटर सेशन। आई होप यू ऑल नो माई नेम। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है सोनम सूदन, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर्स बच्चो। एंड ओप्स, व्हाट जस्ट हैपेंड, ठीक है। सो लाइक आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग ऑल्सो आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। बिट अंडर द वेदर का क्या मतलब होता है? टू फील अंडर द वेदर का मतलब होता है टू नॉट फील वेरी वेल। सो शायद आप लोगों को लगेगा अरे मैम में वो एनर्जी नहीं है, बट एक्सक्यूज मी फॉर दैट। उसका एक कारण ये भी कि आप लोग सामने नहीं हो, सामने होते हो ना तो मुझे ऑटोमेटिकली खुशी से एनर्जी आ जाती है। बट चलो, नो प्रॉब्लम, आई एम मिसिंग यू ऑल एंड फीलिंग अ लिल बिट अंडर द वेदर। सो यस, एक्सक्यूज मी फॉर स्लाइटली लो एनर्जी। तो गाइज, मोस्ट वेलकम टू माई सेशन, यू ऑल नो मी बाई नाउ। एंड बिफोर वी गो अहेड एंड वी स्टार्ट द क्विज, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बता देना चाहती हूँ। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट आस्क अ डाउट। सो ये जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि अनअकैडमी हैज़ ब्रॉट फॉर यू ऑल, दैट ऑल्सो बिल्कुल फ्री। बाय द वे लेट मी टेल यू बिफोर वी स्टार्ट, बिफोर आई टेल यू नो स्टार्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस, कि इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। द शॉर्टेस्ट वे टू अवेल दिस फीचर इज़ टू गो एंड चेक आउट दैट लिंक। तो आस्क अ डाउट में क्या होता है, ठीक है, यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स एनी टाइम थ्रू आउट द डे, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम पूरे दिन में डाउट्स पूछ सकते हैं और आपको जवाब में मिलेंगे हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी, ओके। देन यू विल रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर योर क्वेश्चंस, यानी कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे उनका आपको एग्जैक्ट मैच मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो इट हैज़ टू मैच, राइट, लाइक अगर आप टाइप करोगे तो मैच भी तो होना चाहिए, तब जाकर आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। सो यस, अनदर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन इज यू ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशन टू लैक्स ऑफ क्वेश्चन। भाई घर बैठे बैठे हर चीज़ का सोल्यूशन मिल रहा है तो चाहिए क्या। एंड होम वर्क विच इज़ क्वाइट अ चैलेंज फॉर ईच वन ऑफ अस, मेरे भी होता था स्कूल में, आई विश ये फीचर तब होता बट नहीं था।
यस, यू गेट असिस्टेंस फॉर योर होमवर्क एज वेल। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ आप लोगों को कि ये फीचर आपको यूज़ कैसे करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको जाना है अनअकैडमी ऐप पर। यू हैव टू क्लिक ऑन आस्क अ डाउट। क्लिक करने के बाद आपको एक पिक्चर लेनी है, यू हैव टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ द क्वेश्चन और एल्स यू कैन चूज इट फ्रॉम द गैलरी, ठीक है। उसके बाद में यू कैन चूज टू क्रॉप द पिक्चर ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। देन यू गॉट टू मैच द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मैच करने के बाद में यू हैव टू सेंड इट ऑफ एंड विद इन नो टाइम यू विल रिसीव अ सॉल्यूशन, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड। यस, बिफोर वी गो अहेड मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ दैट अनअकैडमी 6 पे यही मेरा स्केड्यूल है, सुबह 10 बजे, 12 बजे, 4 बजे, इन ऑल लाइक्लीहुड जुलाई के मंथ में भी यही रहेगा। इफ देयर इज एनी चेंज आई विल लेट यू ऑल नो, आई विल कीप यू ऑल इन्फॉर्म्ड। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर ऑल्सो ऑन टेलीग्राम, इनकेस आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अब इस लिंक को ज्वाइन, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है, विल यू गेट लाइव अपडेट्स फ्रॉम द चैनल, ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट सेशन होगी आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, यू डोंट हैव टू गो थ्रू द हैसल ऑफ सर्चिंग एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। सो यस, अगेन वेरी वेरी यूजफुल, सो जाइए एंड मेक यूज ऑफ इट। Then this is something very very important. Well, Unacademy की जो subscription है उस पर offers चल रहे हैं, जल्दी जाइए अपनी subscription खरीद लीजिए। अगर नहीं खरीदी है use my code SOS10 to buy the subscription, और ये मेरा code use करने से आपको मिलेगा flat 10% discount on your purchase। Then बच्चों क्या है आपके ऑफ़र्स में, आपको इस टाइम में थोड़े से ऑफ़र्स मिल रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा बेनिफिट चाहिए सब्सक्रिप्शन खरीदने में तो दिस इज़ द राइट टाइम, गो एंड अवेल द बेनिफिट। जैसे इस टाइम में आपको फ्री CBSE सब्सक्रिप्शन 2 मंथ्स की मिलेगी अगर आप इनमें से कोई भी एक पैकेज खरीदते हो, ठीक है, 12 मंथ्स, 15 और 18 मंथ्स का। तो बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, एंड बाय द वे लेट मी टेल यू कि इसकी भी डिटेल आपको लिंक, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जस्ट इन केस यू नीड इट यू कैन गो अहेड एंड you know, check it out from the description box. Okay. I just need water. Okay, cool. तो किसी भी चीज़ का लिंक आपको अगर चाहिए, हर चीज़ का लिंक, चाहे आपको मेरी प्रोफाइल जाननी है या आपको अनअकैडमी ऐप के को डाउनलोड करना है या आपको ऑफर्स के बारे में पता करना है या आपको आस्क डाउट के बारे में पता करना है या आपको यू नो सब्सक्रिप्शन खरीदनी है कोई भी चीज़ का, या आपको अपकमिंग कॉम्बैट के बारे में पता करना है या कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए, हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो द इजीएस्ट वे इज़ गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो। चलो देन, अपकमिंग कॉम्बैट है बच्चों 4th of July को दोपहर को 12 बजे, मेक यूज ऑफ इट, ठीक है, डोंट लेट इट जस्ट गो। कॉम्बैट क्या है, यू गेट टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़, ठीक है। ये एक फ्री लाइव टेस्ट है जो कि लिया जा सकता है फ्रॉम एन एंड्रॉयड ऐप। 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स का ये एग्ज़ाम है। ये आपके जो टेस्ट हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने इनरोल नहीं किया है जल्दी जाइए एनरोल कर लीजिए, बिकॉज आपको अपनी रियल टाइम ऑल इंडिया रैंकिंग का पता चलेगा, एंड यू कैन यूज़ माई कोड टू एनरोल इन दिस एग्ज़ाम, और इसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो जी, यस लेट्स स्टार्ट। एज यूजुअल द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज अब्रप्ट, बाय द वे आई एम कीपिंग अ नोट ऑफ द टाइम, 30 सेकेंड्स ही मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। Okay. Okay. And your time's up. तो यहाँ पर है एक idiom जिसका आपको meaning choose करना है, ठीक है। So here is the sentence. If you pass this difficult exam, It'll be a feather in your cap. एक मिनट रुक जाओ, पहले तो हमें ये पहचानना है, let me just choose a different color. Yeah, let me just choose a green. Okay. पहले तो आपको ये पहचानना है कि इस sentence में idiom है कौन सा, that's the first test. तो इसमें idiom है feather in the cap, ठीक है। So, feather in the cap
इज एन idiom विच इज यूज हियर. अब आप इसको क्लब करो इस पूरे सेंटेंस के हिसाब से. अगर आप ये पूरा सेंटेंस चेकआउट करोगे, इफ़ यू पास दिस एग्जाम इट विल बी अ फेदर इन योर कैप. ठीक है, यू नहीं होना चाहिए, योर होना चाहिए. सॉरी फॉर द ग्रामेटिकल एरर, लेट मी जस्ट करेक्ट इट. ओके, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस चेक करो, बेसिकली फेदर इन द कैप का मतलब होता है काइंड ऑफ अनदर अचीवमेंट फॉर यू. ठीक है, सो वेन एवर यू हैव अनदर अचीवमेंट और यू नो काइंड ऑफ यू जस्ट फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, दैट्स वेन यू इट्स अ फेदर इन योर कैप. यानी कि अनदर अचीवमेंट, बेसिकली अनदर अचीवमेंट. तो मैं कह सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल आई कैन से यू नो दैट गेटिंग दिस और क्लियरिंग दिस एग्जाम वॉज येट अनदर फेदर इन माई कैप. यानी कि मेरी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनमें ये एक एडिशन थी, राइट? सो येस, फेदर इन द कैप मीन्स अनदर अचीवमेंट विच यू हैव. सो इफ यू पास दिस डिफिकल्ट एग्जाम इट विल बी अ फेदर इन योर कैप. सो यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, योर पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी, यू विल गेट अ स्कॉलरशिप फॉर हाई स्टडीज, यू विल फील प्राउड ऑफ इट, यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब. तो अगर आप ऑब्जर्व करें वैसे तो लाइक वेन एवर यू हैव एन अचीवमेंट, आपकी एक अचीवमेंट होती है, ऑफकोर्स यू फील प्राउड ऑफ इट, योर फैमिली फील्स प्राउड ऑफ इट, राइट? सो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ऑब्जर्व करें तो ये जो है सी ऑप्शन, यू विल फील प्राउड ऑफ इट, इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द क्वेश्चन. एंड आई थिंक ये मुझे ना कलर चेंज कर लेना चाहिए. मे बी इट्स नॉट अप टू द मार्क, मे नॉट एज डार्क इज व्हाट आई मीन. ओके, सो यू विल फील प्राउड ऑफ इट. तो यस, ये होगा यहाँ पे इसका सही आंसर, दैट यू विल फील प्राउड ऑफ इट. अभी गाइज आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा idiom है. सो व्हाट यू गाइज कैन डू इज कि इसका एक आप एक सेंटेंस बनाइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ठीक है, 30 सेकेंड्स मिलेंगे, फेदर इन द कैप का एक सेंटेंस बनाइए. एंड बाय द वे, नोट इट डाउन इन योर कॉपी. अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है, वीडियो को पॉज करिए, जाइए अपनी कॉपी ले आइए. ओके, आई एम रियली फीलिंग ड्रेन्ड. ओके कूल, सो या बच्चों, टाइम्स अप. सो या आई होप आप लोगों ने एक सेंटेंस बना लिया है. नहीं बनाया है देन ऑल्सो यू कैन स्टिल टेक योर टाइम एंड फ्रेम अ सेंटेंस. आप इसको नोट डाउन कर लो, बाद में कर लेना. चलो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ये है आपका सेंटेंस. Some people have a habit of wearing their heart on their sleeves. पहले तो आपको इसमें से idiom क्या है वो recognize करना है. By the way, I'm keeping a record of the time. Okay, cool. And time's up. Okay. चलो, so here it is. ये है आपका sentence. Some people have a habit of wearing their heart on their sleeves. ठीक है, so wear their heart on their sleeves. तो heart on their sleeves का to wear your heart on your sleeves or somebody wearing that person's heart on his or her sleeve, इसका क्या मतलब होता है? To wear your heart on your sleeve का मतलब होता है that you know you are very very expressive, you're very very transparent about what you're feeling. To kai sare aise log hote hain, in fact main aapko sahi batau to mera bhi yahi haal hai that it's very hard for me to hide what I'm feeling from the inside, right? So this is the precise reason why I'm just you know kind of right now I can admit to the fact that I'm not feeling as energetic, but chalo theek hai. So yeah, that's what it means to wear your heart on your sleeves ka matlab hota hai to you know have your express your emotions very very in a very transparent manner. Okay, so let's look out check out these options. Saying something which is not supposed to be taken seriously, no, not really. Exposing their innermost feeling to others, so yes, this is the right answer. Like I told you, avoid being friendly with others, no, always trying to gain advantage of others, not at all. So yes, wear your heart on your sleeves ka matlab hota hai that you have this habit of exposing your feelings. I mean, you're very transparent about what you're feeling. That's when you expose your that's when you carry your heart on your sleeves. Okay, so another 30 seconds. Take your time, your time starts now. Frame a sentence.
ओके, एंड योर टाइम्स अप। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सेंटेंस बना लिया होगा। नहीं बनाया तो अगेन आई रिक्वेस्ट कि बना लो, क्योंकि ये करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट प्रैक्टिस यू विल नेवर रिमेंबर इट। चलिए, एनी हाउ, सेकेंड क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, ये तो आपको बहुत ही आराम से आ जाना चाहिए, हमने कई बार डिस्कस भी किया है। ठीक है, यस यस यस। ओके 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 एंड योर टाइम्स अप। चलो, टाइम अप। सो टू गेट कोल्ड फीट, ओप्स, टू गेट कोल्ड फीट का क्या मतलब है? वेल, टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है टू फील वेरी वेरी नर्वस। ठीक है, सो ये मैं हमने बहुत बार ये इडियम डिस्कस किया, आई थिंक, एंड इट इज अ वेरी कॉमन इडियम व्हिच इज यूज्ड इन डे आउट। होता है ना कि अरे यार, नर्वसनेस से ना तो मेरे तो पाँव ही ठंडे पड़ गए थे। सो या, दैट्स व्हाट इज मेंट बाय गेटिंग कोल्ड फीट। और फॉर दैट मैटर, जैसे हम ये बोलते हैं टू हैव बटरफ्लाइज इन स्टमक, सो टू हैव बटरफ्लाइज इन स्टमक का भी वही मीनिंग होता है, टू बी यू नो, टू काइंड ऑफ एंड अप बीइंग वेरी वेरी नर्वस, दैट्स व्हेन यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो दिस इज गोना बी द राइट आंसर। आई डोंट थिंक, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर, जब मैंने समझाई दिया है। सो यार, टू बी अफ्रेड मीन्स टू गेट कोल्ड फीट, यानी कि यू आर वेरी वेरी नर्वस। सो आई कैन से दैट जस्ट बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड आई गॉट कोल्ड फीट, यानी कि मैं बहुत नर्वस थी उससे पहले। और होता ही है ना हम लोगों के साथ, वी एंड अप बीइंग नर्वस। सो यार, टेक योर टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दिस इडियम। ओके, ओके, चलो भाई, टाइम्स अप, टाइम्स अप। आई होप यू ऑल डिडंट गेट कोल्ड फीट मेकिंग अ सेंटेंस यूजिंग दिस इडियम। चलो, तीन इडियम्स यहाँ पे हो चुके हैं। सो बिफोर वी गो अहेड, लेट मी टेल यू, गिव यू सम इम्पोर्टेंट अपडेट्स। सो द फर्स्ट वन इज, तो पहले तो मुझे अपने पॉइंटर का कलर चेंज करना पड़ेगा, यू नो, व्हाइल आई एम स्पीकिंग आई एम जस्ट लाइक ओके। सो या, अनअकैडमी ऐप बच्चों आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। ठीक है, तो अब आपको डाउनलोड क्यों करनी है? वेल, बिकॉज यू हैव द प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप इसमें से यू गेट अ चांस टू बाय द प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। एंड इफ यू गो अहेड एंड यूज माई कोड SOS10, तो आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन योर परचेज ऑफ द सब्सक्रिप्शन। तो जल्दी जाइए, डोंट फॉरगेट टू बाय इट। ठीक है, सो गो एंड बाय योर सब्सक्रिप्शन वेरी क्विकली। एंड नाउ, दूसरी है बच्चों आपकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं? यू ऑल दी यू नो बेनिफिट्स ऑफ प्लस, उसके साथ में एक पर्सनल मेंटोर एंड अ लाइव डाउट सॉल्यूशन सेशन। सो माय कोड SOS10 रिमेन्स द सेम इन ऑर्डर टू अनलॉक द बेनिफिट्स। मेरा कोड यूज करने से आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन योर परचेज। चलो, देन इज बच्चों योर प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग। तो प्राइसिंग आपको कैसे समझ आएगी? वेल, आपको इसकी पूरी की पूरी प्राइसिंग अनअकैडमी ऐप से पता चल जाएगी। ठीक है, बट मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो प्लस सब्सक्रिप्शन क्लास 6 से 12 सभी के लिए है। 24 मंथ्स की है 25,000, 18 मंथ्स की 20,000, और इसके ऊपर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10। एंड यू ऑल्सो गेट अ चांस टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, सो आप इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से भी पे कर सकते हैं। एंड इफ यू यू नो, बहुत ही सस्ता पड़ता है अगर आप इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है, सो यस, गो अहेड मेक यूज ऑफ इट। एंड देन लेट मी ऑल्सो टेल यू कि अगर आपको इसकी और प्राइसिंग समझे तो आप अनअकैडमी ऐप से समझ सकते हैं।
देन इज योर आइकॉनिक अगेन क्लास 6 से 12 सभी के लिए है 24 मंथ्स 48,000 18 मंथ्स 35,000 इस पर मिलेगा आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10 एंड EMI का ऑप्शन यहाँ पर भी है बहुत ही सस्ता है पर मंथ बेसिस पे ठीक है और आपको इसकी अगर और रिटेल प्राइसिंग समझनी है तो वो आपको अनअकैडमी ऐप से पता चल जाएगी। चलो फ्री स्पेशल क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए यूज माई कोड SPSO10। यस सो इसके बाद है चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो अगेन ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है आई होप यू ऑल नो द आंसर। क्या मतलब होता है टू मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग? ओके एंड योर टाइम्स अप बच्चों। सो टू मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग का बेसिकली मतलब होता है दैट यू आर वेरी वेरी you feel no embarrassment in admitting what the fact is, right? So you are very very open about kind of expressing what you're feeling and you absolutely feel no embarrassment in expressing anything whatsoever. So you admit to something very readily. So of course abhi to aapne guess kar hi liya hoga this is what is the answer. To hota na kai bari ki hum log you know koi aisi situations aati hain which we are not comfortable telling to people. But what if you are comfortable no matter what the situation is, that is when you make no bones about it, right? So hota hai bahut bari. To agar aap aise ki situation se relate karke ek sentence bana sake, so it will be very beneficial and your time starts now. Frame a sentence using make no bones. Okay. चलो 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 यू ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड ऑफ द क्विज एंड यस बच्चों योर टाइम इज अप सो आई होप दैट यू मेक नो बोन्स अबाउट द फैक्ट दैट यू डोंट नो द आंसर टू सम क्वेश्चंस एज सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Turn out crabs. मेरे लिए भी नहीं आता मुझे भी पता नहीं था। Okay. Okay. And बच्चों Time is up, ठीक है? So turn out crabs का मतलब होता है to end in failure. So when you यानी कि किस चीज़ में आप miserably fail हो जाते हो, that's when you turn out crabs. Yeah, I know. This sounds as funny, but yeah, it's an idiom. So I could say that my latest venture or my latest business turned out crabs. That means I just failed miserably in it. होता है ना बड़ी बारी फेलियर होता है हम सबके साथ विच इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। सो या टेक योर टाइम एनी टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दिस इडियम। ओके पक्का सेंटेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है। नहीं बनाओगे ये मत सोचना मैम यहाँ पे नहीं है देख नहीं रही है तो क्या करना है। अगर आप सच में सीखना चाहते हो यू हैव टू मेक यूज ऑफ इट। चलो एंड टाइम्स अप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। Between the devil and the deep sea का क्या मतलब है?
ओके, टाइम होने वाला है। यस एंड टाइम्स अप। सो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है कुआं या खाई, काइंड ऑफ सिचुएशन को बोलते हैं ना। सो इट्स लाइक कुआं खाई की सिचुएशन थी, इधर जाएं या उधर जाएं। सो टू बी बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मीन्स व्हेन यू आर इन अ फिक्स। तो फिक्स का क्या मतलब होता है? व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन वेयर एंड यू कांट जज एंड डिसाइड व्हाट हैज टू हैपन। तो आप एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में, जिसे बोलते हैं ना, मैं बीच मझधार में था। सो आप एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में, दैट्स व्हेन यू आर इन अ फिक्स। सो यस, दैट्स व्हाट इज मीन बाय बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। सो टू बी इन अ फिक्स, टू बी इन अ टफ सिचुएशन वेयर एंड यू आर नॉट एबल टू जज एंड गेज एंड डिसाइड कि भाई करना क्या है, दैट इज वेन यू आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। सो एज फार एज मैं कुछ से एज फार एज चूजिंग माई लेटेस्ट जॉब वॉज कंसर्न्ड, आई वॉज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी बिकॉज बोथ द जॉब्स जस्ट डिडंट सीम वेरी फाइन टू मी। यानी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, बड़ी कन्फ्यूजन में थी कि भाई कौन सी ज्वाइन करूँ। ठीक है, सो यस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्रेम अ सेंटेंस। कॉमन सिचुएशंस हैं यार ये सब चीज़ें, हमारे साथ होती हैं डे इन डे आउट, उन्हीं के बेसिस पे इडियम्स बनाए जाते हैं। तो होता है हमारे साथ बहुत बारी, यू कुड बी इन अ फिक्स यू नो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू चूज विच ड्रेस टू बाय, और यू कुड बी इन अ फिक्स जस्ट बिकॉज यू डोंट नो विच वे टू गो। सो इट कुड बी फॉर मल्टीपल रीजंस। तो बड़ा ही कॉमन सिचुएशन है, इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस। चलो गुड 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 गुड, टाइम्स अप एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ओप्स, देयर इज नो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फॉरगॉट, सॉरी। सो यस बच्चों, दिस इज हाउ वी आर गोना एंड द मंथ। आई होप दैट ये जो दो वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए प्रीमियर किए हैं आज लास्ट दिन पे, आई होप दिस हेल्प्ड यू गाइस, एंड आई होप कि आप इसका रिकॉर्ड रख रहे हो। यू आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ गेन एज मच एज यू कैन बिकॉज यू नो यही टाइम होता है विच यू कैन मेक यूज एंड काइंड ऑफ अंडरस्टैंड वॉट टू डू एंड हाउ टू डील विद इट। ठीक है, सो यस थैंक यू सो वेरी मच गाइज, एंड इट वॉज लवली मिसिंग यू, आई मिस्ड यू ऑल, आई होप यू गाइज आर हियर। चलो ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच बच्चो, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड आई विल एंड दिस वीडियो हियर, एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो। नया मंथ स्टार्ट होने वाला है, वी विल स्टार्ट द फ्रेश रेजोल्यूशन, एंड आई होप यू ऑल विल बी प्रिपेयर्ड टू अटेंड माई सेशन सुबह 10 बजे, देन 12 बजे और शाम को 4 बजे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।